हेलो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ वायरसेस। अकॉर्डिंग टू कैप्सिड सिमेट्री, द वायरसेस आर ऑफ मेनी सेप्स एंड साइज़ेस। वायरस का जो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि कैप्सिड कहलाता है जो प्रोटीन कोट होता है वो उसके सिमेट्री को देखें तो वायरसेस के मेनी सेप्स और साइज़ेस हैं फर्स्ट है हेलिकल सेकेंड आइकोसाहीट्रल और थर्ड है कॉम्प्लेक्स इन तीनों को वन बाई वन देखेंगे first a helical the helical viruses have a capsid with the central cavity or a hollow tube which is made by proteins arranged in a circular way creating a disc like shape the disc shapes are attached helically creating a tube for nucleic acid in the middle एग्जाम्पल है टोबैको मोजाइक वायरस जो हेलिकल वायरस हैं उनका जो कैप्सिड है जो कि प्रोटीन कोट होता है प्रोटीन्स का बना होता है और इनके अंदर एक सेंट्रल uh, कैविटी होता है और ये कैप्सिड uh, इस तरह से सर्कुलर वे में अरेंज होते हैं कि ये एक डिस्क लाइक सेप बनाते हैं और uh, इनका जो सेंट्रल कैविटी है ये हेलिकली अटैच्ड होता है जो कि ट्यूब फॉर्म करता है और जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है हेलिकल वायरस का एग्जाम्पल है टीएम बी टोबैको मोजाइक वायरस सेकेंड है आइकोसाहीड्रल दीज आर मेड अप ऑफ इक्विलेट्रल ट्राइंगल्स फ्यूज टुगेदर इन अ स्पेरिकल सेप दैट फुली इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल द जीनोम्स ऑफ आइकोसाहीड्रल वायरसेस आर पैक्ड कंप्लीटली विद इन एन आइकोसाहीड्रल कैपसीड दैट एक्ट एज प्रोटीन सेल आइकोसाइड्रल का एग्जाम्पल है पोलियो वायरस एडिनो वायरस ये डायग्राम एडिनो वायरस का है ये आइकोसाहीड्रल सेप है मीन्स इसमें मेनी साइड्स और फेसेस हैं और हर साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि एक दूसरे से फ्यूज होता है और एस्फेरिकल सेप बनाता है इसका जेनेटिक मटेरियल फुल्ली इंक्लोज होता है आइकोसाइड्रल कैपिट के अंदर और जो कि वर्क करता है प्रोटीन सेल की तरह प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को थर्ड है कॉम्प्लेक्स द कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइकोसा हेड्रल एंड हेलिकल सेप जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं आइकोसा हेड्रल और हेलिकल सेप के इट मे हैव अ कॉम्प्लेक्स आउटर वॉल और हेड टिल मॉर्फोलॉजी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो हेड दिखने में हेड टिल की तरह लगता है आउटर अपेरेंस मॉर्फोलॉजी जो इनका होता है वो हेड टेल की तरह दिखता है द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टेरियो फाज जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टेरियो फाज कहलाते हैं दिज वायरसेज हैव आइकोसा हेड्रल हेड

अपने टेल्स को यूज़ करते हैं बैक्टीरियल सेल से अटैच होने में और ये होल क्रिएट करते हैं बैक्टीरियल सेल में जिससे अपने टेल्स के हेल्प से ये अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट कर देते हैं यह है बैक्टीरियो फॉल्स का डायग्राम जिसमें आइकोसा हेडल ये हेड है और ये जो टेल है हेलिकल सेब्ड है ये आइकोसाहेड्रल और हेलिकल दोनों सेप्स का कॉम्बिनेशन है इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसका एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज है